हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अदिति गर्ग। मैं एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है और मेरा क्लिनिक एलाइट एस्थेटिक एंड डेंटल क्लिनिक HSR बैंगलोर में है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, 30s और 40s से हमारे साइंस ऑफ एजिंग शुरू हो जाती है। जो हमारे एजिंग की साइंस है वो नॉर्मली झुर्रिया या रिंकल्स बन के होती हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारा कोलाजन लॉस होना शुरू हो जाता है। कोलाजन लॉस होने से स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है और रिंकल्स बनने शुरू होते हैं। हम बहुत सारी मेथड से रोक सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जो हमें सन डैमेज से रोकती है। सन के रेस में UV रेडिएशन होता है जिससे हमारा प्रीमेच्योर एजिंग होता है और ये झुर्रिया बनती है। सनस्क्रीन इसको रोकता है। तो इसीलिए एक ऐसा सनस्क्रीन जो 30 SPF हो या PA++++ हो एक मस्ट है, जैसे ही आप बाहर जाते हो या घर में भी। दूसरा है हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें हेल्दी डाइट, खूब सारा पानी और एक्सरसाइज है। थर्ड, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है केमिकल पील्स। केमिकल पील्स एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें सुपरफिशियल स्किन के सेल्स जो मरे हुए होते हैं उनको हटाया जाता है ताकि अंदर से एक नई और न्यू स्किन दिखे। फोर्थ तरीका है मेडिकेटेड फेशियल्स। मेडिकेटेड फेशियल्स में हमारे पास वेम्पायर फेशियल करके एक होता है, जहाँ पे आपके ही खून से हम PRP बनाते हैं, उसको इंजेक्ट करते हैं और साथ में माइक्रो नीडलिंग करते हैं, जिससे कोलाजन स्टिमुलेशन बढ़ता है। दूसरा तरीका होता है लेजर्स, जैसे कार्बन लेजर्स या IPL लेजर्स, इससे भी कोलाजन स्टिमुलेट होता है। नेक्स्ट होता है हाइड्रोफेशियल। हाइड्रोफेशियल भी एक ऐसा मेथड है जिससे हाइड्रेशन दिया जाता है, अनइवन स्किन को रिमूव किया जाता है और फाइन लाइंस कम की जाती है। फाइनली हमारे पास होते हैं फिलर्स और बोटॉक्स। फिलर्स और बोटॉक्स से हम झुर्रिया को रोक सकते हैं। बोटॉक्स से मसल्स पैरालाइज हो जाती हैं, मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, सो जो रिंकल्स हमारे मूवमेंट पे होते हैं वो कम हो जाते हैं। और फिलर्स से भी हम जहाँ पे ऑलरेडी लॉस ऑफ टिश्यू है उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। फिलर्स से हम वॉल्यूम दे सकते हैं, जैसे कि चीक्स पे, चिन पे, टेम्पल एरिया पे, लिप्स पे, अंडर आईज में। आंखों के नीचे भी कई बार वॉल्यूम लॉस की वजह से हॉलोनेस हो जाता है, आंखें के आसपास काला काला दिखने लगता है। फिलर से भी ये सारी चीज़ें कम हो सकती। जब हम ये सारी प्रोसीजर्स कंबाइन करते हैं एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लेके और घर के स्किन केयर रूटीन से, तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा एजिंग थोड़ा सा धीमे जाए, थोड़ा सा कम जाए।